नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने दरअसल एक चिट्ठी लिख करके ये ऐलान किया है कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ है और साथ ही अग्निपथ स्कीम को दिशाहीन बताया है और सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इस वक्त सोनिया गांधी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, इसके बावजूद वो इस तरीके से खत लिख करके युवाओं को भड़काने का काम कर रही हैं। आपको बता दें कि दरअसल उनको ईडी ने भी समन जारी किया है और 23 जून को पेश होने के लिए कहा है, लेकिन वो इस वक्त कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ से खत लिख करके इस तरीके से अपील कर रही हैं प्रदर्शनकारियों को और साथ ही ये कह रही हैं कि आपके साथ कांग्रेस पार्टी यूं ही खड़ी रहेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के एक विधायक ने ये कहा है, ये बयान दिया है कि ये देश खून से लथपथ होगा लेकिन अग्निपथ कभी भी लागू नहीं होगा और जो देश की सरकार है वो अग्निपथ योजना के तहत इस देश की सेना को बेचने का काम कर रही है। इसी के साथ ही जहां तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो इस बीच कई जो लोग हैं अग्निपथ को लेकर के अपना समर्थन भी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम मुद्दों में अपनी बेबाक राय रखने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी खुलकर अग्निपथ स्कीम का समर्थन किया है और साथ ही कहा है कि जिस तरीके से प्राचीन समय में गुरुकुल परंपरा होती थी जिससे कि लोग अनुशासित होते थे और जो उनकी कार्यशैली है, जो सैनिक गतिविधियां होती थी उसमें वो शामिल हुआ करते थे, इस तरीके से अग्निपथ योजना की तुलना की है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये जो अग्निपथ योजना है इसको लेकर के तमाम तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही है जिसकी वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है और राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि ये लगातार कई वर्षों से इसको लेकर के तमाम जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे राय मशवरा किया गया। इसी के साथ ही जो एक्स सर्विस मैन है सेना के उनसे राय मशवरा करने के बाद ही अग्निपथ योजना को लागू किया गया है जिससे कि जो देश के युवा हैं उनको एक बेहतर राह मिल सके। आपको बता दें कि सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहीं विपक्ष भी केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी चिट्ठी लिखकर सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बता दें सोनिया गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्होंने अग्निपथ को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा किया है और प्रदर्शनकारियों का साथ देने की बात कही है। बता दें एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए उन्होंने कहा कि आप भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा का महत्वपूर्ण कार्य करने की अभिलाषा रखते हैं। सेना में लाखों खाली पद होने के बावजूद पिछले 3 साल से भर्ती ना होने का दर्द मैं समझ सकती हूं। एयरफोर्स में भर्ती की परीक्षा देकर रिजल्ट व नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं के साथ भी मेरी पूरी सहानुभूति है। मुझे दुख है कि सरकार ने आपकी आवाज को दरकिनार करते हुए नई आर्मी भर्ती योजना की घोषणा की जो कि पूरी तरीके से दिशाहीन है। आपके साथ साथ कई पूर्व सैनिक व रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और इस योजना को वापस कराने के लिए संघर्ष करने व आपके हितों की रक्षा करने का वादा करती है। आपको बता दें साथ ही इस लेटर में लिखा है कि हम एक सच्चे देशभक्त की तरह सत्य, अहिंसा, संयम व शांति के मार्ग पर चलकर सरकार के सामने आपकी आवाज उठाएंगे। मैं आपसे भी अनुरोध करती हूं कि अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण व अहिंसक ढंग से आंदोलन करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। आपको बता दें कि जहां इस समय सोनिया गांधी खराब सेहत के चलते दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है, वहीं ईडी द्वारा उन्हें नेशनल हेराल्ड केस में समन भी जारी किया गया है। आपको बता दें इससे पहले भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर सवाल उठाए थे अग्निपथ योजना को लेकर
सके और इसे वापस करने की मांग भी रखी थी। आपको बता दें कि जहां सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने समन जारी किया है, तो वहीं राहुल गांधी भी लगातार ईडी के शिकंजे पर कसते जा रहे हैं और उनसे लगातार 3 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की है। तो वहीं एक बार फिर से सोमवार को हाजिर होने के लिए राहुल गांधी को कहा गया है। आपको बता दें कि इस समय कांग्रेस पार्टी के दोनों बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी लगातार जांच कर रही है और इसी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस तरीके से हथकंडे अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों का ध्यान जो है इस वक्त अग्निपथ स्कीम को पूरी तरीके से गलत बताने के चक्कर में लगे हुए हैं, ताकि कि जो ईडी का फोकस है लोगों का उन पर कि वो भ्रष्टाचारी नेता है, इससे वो शिफ्ट करा सके। आपको बता दें कि इस बीच अग्निपथ योजना के विरोध में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने विरोध मार्च निकाला। इसके साथ ही इरफान अंसारी ने कहा कि 2024 की आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। विधायक इरफान अंसारी ने खुले शब्दों में कहा कि अग्निपथ को लेकर देश होगा खून से लथपथ, प्रधानमंत्री अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना को भी बेचने जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में सफल नहीं होने देगी। आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान विधायक का सामने आया, लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसको आपत्तिजनक बयान बता रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कंगना रनौत ने इसका खुलकर समर्थन किया है इस स्कीम का। बता दें कि कंगना रनौत जितनी अपनी एक्टिंग को लेकर मशहूर हैं, उतनी ही चर्चा में वो अपने बयानों को भी लेकर हमेशा रहती हैं। ट्रिपल तलाक से लेकर के जीएसटी और कृषि कानून तक कंगना हमेशा सरकार के समर्थन में खड़ी होती हुई नजर आई हैं। राजनीति के अलावा वो धार्मिक मुद्दों पर भी खुलकर बोलती हुई नजर आई हैं। अब एक बार फिर से वो अपनी बात रखती हुई नजर आ रही हैं और इस बार मुद्दा है सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई अग्निपथ योजना। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए केंद्र की इस योजना के विरोध में जारी हंगामे के बीच अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा कि इजराइल जैसे कई राष्ट्रों ने अपने सभी युवाओं के लिए सेना प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। कुछ साल हर कोई सेना को अनुशासन, राष्ट्रवाद जैसे जीवन मूल्यों को सिखाने के लिए देता है और इसका अर्थ है अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना। साथ ही उन्होंने लिखा, हैशटैग अग्निपथ स्कीम के गहरे अर्थ हैं सिर्फ करियर बनाना, रोजगार पाना या पैसा कमाना ही आर्मी का मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, कंगना ने इस कार्यक्रम की तुलना प्राचीन काल के गुरुकुल से की है, जिसमें बच्चों को गुरुकुल भेजने की पारंपरिक तरीके से युवा सैनिकों की संविदात्मक अस्थायी भर्ती भी शामिल है। साथ ही एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि पुराने दिनों में हर कोई गुरुकुल जाता था, ये लगभग ऐसा ही है कि उन्हें ऐसा करने के लिए भुगतान मिल रहा है। ड्रग्स में नष्ट हो रहे युवाओं का चौंकाने वाला प्रतिशत और पबजी को इन सुधारों की आवश्यकता है। इन पहलों को करने के लिए सरकार की सराहना करें। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर आज के जो यंगस्टर हैं उनको लताड़ने की कोशिश की है, जो कि ड्रग्स और पबजी जैसे चीज़ों से लिप्त रहते हैं और इन्हीं में बिजी रहते हैं, उनको लताड़ने की कोशिश की और साथ ही अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। आपको बता दें कि नई योजना के तहत बिना किसी पेंशन लाभ के कम से कम 75% कर्मियों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद सशस्त्र बलों में 4 साल की अवधि के लिए भर्ती का प्रस्ताव किया गया है। 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एक घोषणा की है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती में अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें, अग्निपथ पर भर्ती योजना के खिलाफ शुक्रवार को तीसरे दिन भी कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें ट्रेनों को आग लगा दी गई, सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की गई और हजारों की संख्या में पटरियों और राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया। इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर के कुछ लोगों के द्वारा लगातार भ्रांति पैदा की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय मशवरा करने के बाद और हमारे एक्स सर्विसमैन के साथ भी चर्चा करने के बाद ये कंक्लूजन बनाया है और ये निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बना रही है ताकि हमारे
अग्निवीर 4 वर्ष सेवा करने के बाद यदि सेना में रेगुलर सैनिक के रूप में भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती तो उनको रोजगार का अवसर भी मुहैया हो जाए। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।